पहले हम दोहरा बोलेंगे, फिर आप दोहराएंगे उसे ही, भगदड़ बिल्कुल नहीं मचाएंगे, ऐसी मान्यता है। और बात भी ये सत्य है, क्योंकि धाम पर भी लोग 1,500-2,000 प्रतिदिन जाते हैं, और जिस दिन टोकन नंबर वितरित होता है उस दिन 20 से 25 हज़ार लोग जाते हैं। मंगलवार को भी 8 से 10 हज़ार भक्त, 12 हज़ार 15 हज़ार भक्त पहुँचते हैं। तो अब सबसे हमारा मिल पाना असंभव है, हम 24 घंटा भी बैठ रहे हैं फिर भी नहीं हो पाता है। तो ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने दिया है, जिनकी अर्जी नहीं लग पाती, पर्चा नहीं बन पाता, वो बिल्कुल ना घबराएं, इस विधान से उन सबकी अर्जी लग जाएगी। विधान है, मुट्ठी बांधें। सबसे पहले घर का विधान बतला देते हैं, यहाँ पर तो अर्जी लगेगी सो लगेगी। घर पर आपको एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध के रखना है, 5 लौंग रखनी है, जो आपका मनोरथ है उस मनोरथ को यानी मनोकामना को 3 बार बोलना है। ध्यान से सुने, एक लाल रंग का कपड़ा रखना, एक नारियल रखना, 5 लौंगें बांधनी हैं, मनोरथ को आपको बोलना है, 3 बार बोलना है। और इसके बाद नारियल बांध करके पूजा मंदिर में रख देना है। अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी तो सपने में लगातार 2 दिन बंदर दिखाई देंगे, एक दिन नहीं, एक दिन तो भ्रम हो सकता है। इसलिए लगातार किसी भी सदस्य को अर्जी की स्वीकारता पर ये प्रत्यक्ष प्रमाण, कई देश में भी नहीं, USA, कनाडा, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जो बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र हैं, जो मानते हैं श्रद्धा से, क्योंकि बालाजी की तरंग व्यक्ति से नहीं मिलती है, बालाजी की तरंग भावना से मिलती है। बालाजी की कृपा धीरेन्द्र कृष्ण महाराज से मिलने से नहीं होती है, बालाजी की कृपा बागेश्वर धाम जाने से होती है। और बालकों पर कृपा करने के लिए कहीं ना कहीं बैठे हैं, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, तो कहीं सालासर बालाजी हैं, तो कहीं संकट भंजन बालाजी के रूप में है, तो कहीं बागेश्वर धाम बालाजी के रूप में। अब लोग प्रश्न करते हैं, आप ही के धाम क्यों जाएं? मतलब कई लोग ताना दे करके, हम अपने अगर ना चले जाएं होता ही कई परिक्रमा की जगह 108 लगा लें, पेशी होता ही से ना स्वीकार हो जाए, बागेश्वरी धाम क्यों जाएं? बात बिल्कुल सही है, हवा तो सब जगह, टायर पंचर हो जाए रोड पे, अब तुम टायर हाँ खोल के बैठ जाओ, आ जा हवा भर जा, आ जा हवा भर जा, आ जा हवा भर जा, भर जाए है कहाँ, नहीं भरेगी। आपको विशेष दुकान पर जाना पड़ेगा, विशेष यंत्र द्वारा हवा भरेगी। उसी प्रकार बागेश्वर धाम बालाजी सब जगह हैं, बालाजी सब जगह हैं, पर एक विशेष स्थान पर जाना पड़ता है, विशेष विधान करना पड़ता है, उस स्थान का नाम है बागेश्वर धाम, उस विधान का नाम है बागेश्वर धाम की अर्जी। इस विधान को आप करेंगे तो निश्चित सफल होवेंगे। मन में आप इस विधान को करें, अब हम दोहराते, आप सबकी एक साथ अर्जी लगाते, क्षमा प्रार्थी हैं, आप बड़ी आशा अपेक्षा से बैठे रहे, पर पीठ से ही आशीर्वाद, जो जिस भावना के साथ यहाँ पर आया बालाजी कर में, पेशी आप करना शुरू कर दो, आज से ही वो आप सबके मनोरथ पूर्ण हो, ये आशीर्वाद है। खूब आशीर्वाद आप सभी को है, बालाजी ऐसी कृपा करें। पहले मुठ्ठी बांध कहिए, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे गुरुदेव भगवान, हे श्री सीताराम जी सरकार, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी महाराज स्वीकार करो, हमारे ऊपर अथवा हमारे घर में जो भी भूत बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा का प्रभाव हो उसे हटावें, हमारे रोग संकट का निवारण करें, आपके धाम की जय हो, आपकी जय हो, हम आजीवन पर्यंत आपके चरणों से जुड़े रहेंगे, धाम बागेश्वर पर आते रहेंगे, आते रहेंगे, हम यह वचन देते हैं, परंतु हम पर कृपा करो, हमारी अर्जी सुनो, अपनी मर्जी करो, हे सन्यासी बाबा, जो भी संकट हो उसे मंगल की पेशी में काटो, हम आपकी शरण में हैं। जो भक्त यहाँ पर विराजमान है मनी मन अपने प्रश्नों को 3 बार दोहराएंगे, ऐसी मान्यता है बागेश्वर धाम की। और बात सत्य है, पूज्यपाद सदगुरु सन्यासी बाबा के पास में 46,000 सेना है, एक साथ पूरी सेना आपके मनोभाव की अर्जी को पकड़ करके बागेश्वर बालाजी के चरणों में रख देवेंगे। इसलिए मन ही मन बड़े श्रद्धा और भाव से सन्यासी बाबा का और बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हुए अपने प्रश्न को 3 बार दोहराइए। ओम
ओम श्री ओम सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान श्री बागेश्वर बालाजी महाराज सदगुरुदेव भगवान कृपा करें आप सबकी अर्जी तत्क्षण सुन करके सब आपके सबके ऊपर की अलाय बलाय भूत बाधा प्रेत बाधा को निवारण करें। आज से ही सबको लाभ होवे, आज से ही श्री बागेश्वर बालाजी की सब पर कृपा होवे, ऐसा अभय आशीर्वाद देवें और अर्जी को स्वीकार। हे प्रभु, हे गुरुदेव सन्यासी बाबा, यह अर्जी स्वीकार करो, हम आपके धाम आएंगे, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 7 बार सीधा उतारा करना है अपने सिर के ऊपर से, एक शांत। और ऐसे बालाजी की तरफ छोड़ देना है। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करना है 7 बार, और ऐसे बालाजी की तरफ छोड़ देना है। दोनों हाथ उठाना है, बोलो बागेश्वर धाम की।